पुरानी से पुरानी सफेद पानी की समस्या से छुटकारा पाने का आसान घरेलू नुस्खा आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। बस आप देखिए कि इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से 2 से 3 दिन में ही आपकी सफेद पानी, जिसको हम कहते हैं श्वेत पेड़दर और लिकोरिया, ये बहुत ही बुरी बीमारी होती है। जिस महिलाओं को, लड़की को ये जकड़ ले, यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट से योनि से जो है व्हाइट डिस्चार्ज होता है, यानी कि सफेद पानी आता है, चिपचिपा सा, कभी गाढ़ा कभी पतला, और उसमें योनि में हमारी खुजली भी रहती है, जलन भी रहती है और काफी ज्यादा बदबूदार ये पानी होता है, तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जिसके लिए आपको एक गिलास पानी लेना है, नॉर्मल सादा नॉर्मल पानी लेना है, ना ही ये पानी आपको लेना है गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। सिर्फ आप नॉर्मल ताजा पानी ले लीजिए एक गिलास। उसमें हमें ऐड करना है सौंफ। ये सौंफ जो है तासीर में ठंडी होती है, ये हमारी सफेद पानी की समस्या से हमें बहुत जल्द छुटकारा दिलाती है। तो आपको ये सौंफ ले लेनी है, जो आप अपने घर में खाने में पकवानों में इस्तेमाल करते हैं वही सौंफ आपको ले लेनी है। तो दो हमें एक गिलास पानी में जो है सौंफ को डाल देना है 2 चम्मच। ये छोटे साइज का चम्मच है, तो आप इसी तरीके का छोटे साइज का जो है चम्मच लीजिएगा। 2 चम्मच हमने सौंफ इसमें डाल दी है। बाकी की चीज हम इसमें और डालने वाले हैं, वो आपको लेना है मिश्री, जो सफेद छोटी छोटी सी मिश्री होती है ना दोस्तों, वही आपको लेनी है। तो आप अंदाजे से भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने लिया है इसमें 2 चम्मच सौंफ। डालने के बाद में हम इसमें 1 छोटा चम्मच डालने वाले हैं, ये है मिश्री, जो आपको आसानी से मिल जाएगी फंसारी के यहाँ पर भी। तो हमने 1 चम्मच सौंफ डाल, मतलब 1 चम्मच मिश्री डाल दी है 2 चम्मच सौंफ में। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरीके से, और आपको इस पानी को ढक करके रख देना है, बिल्कुल इस तरीके से, कोई भी बर्तन ढक के रख दीजिए इसको पूरी रात के लिए। ये आपको शाम को करके रखना है और पूरी रात ढक करके रख दीजिए। सुबह सवेरे जब आप उठेंगे, सबसे पहले फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद में आपको करना क्या है, इस पानी को छानना है छन्नी से, और छान करके इस पानी को पी लेना है। बस आप ये करते रहिए, आपकी सफेद पानी की समस्या जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी, जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा आपको। योनि से वायु डिस्चार्ज जो होता है उससे हमारे कमर में दर्द रहने लगता है। तो आप इस समस्या से जूझ रही हैं, तो आप इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल कीजिए और अपनी श्वेत पेड़दर की समस्या से छुटकारा पाइए। मिलते हैं नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ में।